वेलकम टू स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं आप सभी के लिए पूरा जो सामान्य ज्ञान का ल्यूसेंट का है, उस ल्यूसेंट का निचोड़ हम निकाले हैं। पहला भाग हमारा है 2500 प्रश्नों का संग्रह है, जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। आज के इस पहले वीडियो में दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम ग्रुप आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से भी पीडीएफ देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पर नंबर दे रखे हैं। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए कि सर हमने आपके नंबर सेव कर लिए हैं, आप भी हमारे नंबर सेव कर लीजिए। तो इस नंबर पे आपको जो 8107561363 यहाँ आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलती रहेंगी, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज हम पहले भाग के अंदर जनरल साइंस के 100 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक पूछा गया है? दोस्तों CO2 राइट आंसर इज CO2 आपका राइट आंसर। क्या है? CO2 आपका राइट आंसर है। पृथ्वी, देखिए प्रथम जीवन की उत्पत्ति, दोस्तों प्रथम जीवन की उत्पत्ति के बारे में पूछा गया, तो प्रथम जीवन की उत्पत्ति जल के अंदर हुई। किसके अंदर हुई? जल के अंदर हुई। ये आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे दोस्तों, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, ये कथन किसने सत्यापित किया था? 3 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। इसका राइट आंसर इज ओपेरियन। क्या है? ओपेरियन आपका राइट आंसर है। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? राइट आंसर आपका बीजों से। किससे होती है? बीजों से होती है। अगला प्रश्न है, निकोटीन पाया जाता है? दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, और निकोटीन के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है निकोटीन आपके सबसे ज्यादा पूछा गया है। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। राइट आंसर इज तंबाकू की पत्तियों में होता है। अगला देखेंगे, कीट भक्षी पौधे, कीटों को खाने वाले कीट भक्षी पौधे कौन से हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन से NDA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। DNA के बारे में पूछा गया है। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इज रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक आपका राइट आंसर। क्या है? रॉबर्ट हुक आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अनुवांशिकता का जनक, दोस्तों अनुवांशिकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर इज मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। आलू क्या है? दोस्तों आलू के बारे में पूछा है। 9 नंबर प्रश्न, आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू एक क्या है? तना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? चेचक के बारे में पूछा गया। 10 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर है डॉक्टर जेनर। किसके द्वारा? डॉक्टर जेनर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पाया जाता है? दोस्तों 11 नंबर प्रश्न, इसमें राइट आंसर है टीबी के ऊपर। क्या है? टीबी के ऊपर आपका राइट आंसर है। टीबी है, टीबी के ऊपर सरकार के द्वारा काबू पाया गया है। भारत के लोगों की वसा पूछी गई है, जो खाने पीने की वसा होती है उसका जो मान पूछा गया क्या है? राइट आंसर दोस्तों 1 से 30 PPM या DDT। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्राकृतिक कीटनाशक जिसे एजाडिक कटिन का प्राप्त होता है? यस दोस्तों, ये एक निकोटीन के बारे में, ये नीम की पत्तियों से प्राप्त होता है। जब दोस्तों आपके शरीर के अंदर खुजली होती है, क्या होती है? खुजली होने पर नीम के पानी को गर्म कर आप स्नान करते हैं तो खुजली ठीक होती है। एंटीबायोटिक होती है, देखिए एंटीबायोटिक होती है पौधे, दवाई, सिरपिस या फिर टॉक्सिन। 4 नंबर प्रश्न, एंटीबायोटिक क्या होती है? दवाई होती है। क्या होती है? दवाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा
कौन है दूध को दही में, दूध को किस में बदल देता है, दही में बदल देता है। 15 नंबर प्रश्न, और 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, यानी एच और एन, एच वन और एन वन के बारे में पूछा गया। ये सबसे ज़्यादा जो किसमें होता है, इसी हम साइन फ्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन फ्लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। रडार का आविष्कार, दोस्तों रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वॉटसन ने। किसने? रॉबर्ट वॉटसन ने रडार का आविष्कार किया था। मनुष्य के एफ्लोटोनिक्स खाद्य, जिसे विषाणुतम द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? 18 नंबर प्रश्न। राइट आंसर यकृत प्रभावित होता है। क्या होता है? यकृत। निम्न में से किसमें कोबाल्ट, विटामिन 12, जो कोबाल्ट के बारे में पूछा गया, कोई सबसे ज्यादा जो कोबाल्ट है वो किसके अंदर पाया जाता है? विटामिन बी 12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कोबाल्ट आपका राइट आंसर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए। देखिए इनमें से रक्तदाब का माप होता है, रक्तदाब को मापने के लिए क्या होता है? सिस्मोमोनोग्रामीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर यूरेनियम। यूरेनियम क्या प्रयोग करते हैं? लोलक की अवधि पूछा गया, लोलक की अवधि पूछा गया है, काल अवधि क्या है, उसकी कार्यकाल अवधि पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है लंबाई के ऊपर निर्भर करती, क्या करती? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? दोस्तों चुंबक की सुई हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर करती है, उत्तर से दक्षिण की ओर करती है। लेकिन दोस्तों इसमें उत्तर दे रखा है, तो आपका राइट आंसर क्या है? उत्तर आपका राइट आंसर है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तंतु को गर्म करके आपका राइट आंसर है। महासागर में कौन सी जल तरंगे कैसी होती है? जो जल तरंगे हैं, देखिए भूकंप से, सूर्य से, तारों से, या चंद्रमा से? राइट आंसर इज दोस्तों चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा से होती है। राइट आंसर क्या है? चंद्रमा से होती है, आपका राइट आंसर है। कमरे को ठंडा किया जाता है, जब कमरा गर्म होता है उसे ठंडा करते हैं, पानी के बहने से, संपीड़ित गैस छोड़ने से? बिल्कुल आपका राइट आंसर है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग अलग करने का तरीका पूछा गया। दोस्तों अलग अलग जो तरीका होता है वो होता है एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग रखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से सूर्य ग्रहण कब होता है? 28 नंबर प्रश्न। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब दोस्तों चंद्रमा क्या होता है? बीच में होता है। चंद्रमा क्या होता है? बीच में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, चंद्रमा क्या होता है? बीच में होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? 29। दोस्तों 20 राइट का राइट आंसर इज 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सोने को घोलते हैं, जब सोना होता है सोने को हम घोलते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चाहिए, 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न का इसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ में होता है? चूहे को मारना, अपने सभी घरों के अंदर चूहों ने मारा होगा। पोटेशियम, क्या आपका राइट आंसर? पोटेशियम साइनाइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? अगर आप हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनेगा? दोस्तों हाइड्रोजन जलने से पानी बनता है, क्या बनता है? पानी बनता है। अगला देखिए मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है?
राइट आंसर इज लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन से 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है? एस्पिरिन, एस एक्सपिरियन, एक्सपिरियन कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं एक पेड़ से। कहाँ से मिलते हैं? पेड़ से मिलते हैं। पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तैरने के तालाब में, देखिए तैरने के तालाब में तैरते से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों पानी के अंदर क्लोराइड, क्लोरीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? क्लोरीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जब विद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है, जब विद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है, तब दोस्तों आपका जो यहाँ पर बताए, जल्दी से प्रश्न का उत्तर क्या है? 30% ऊष्मा की हानि होती। क्या होती है? 30% ऊष्मा की हानि हो जाती है। शक्कर की किण्वन से क्या बनता है? शक्कर है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और पूछा जो प्रश्न है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए अगर आपको पता है तो। दोस्तों 38 नंबर प्रश्न, और 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है इथाइल एल्कोहल। अम्लीय वर्षा के बारे में पूछा गया कि अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा कारखानों से होती है। किसके द्वारा होती है? कल कारखानों से अम्लीय वर्षा होती है। गेहूं की खेती, देखिए गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग में लिया जाता है? राइट आंसर इज नाइट्रोजन को लेते हैं। किसे लेते हैं? नाइट्रोजन को लेते हैं। अगला देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब चांद से पृथ्वी तक लाया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है? 41 नंबर प्रश्न, इसका भार बदला जाएगा परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, अगर लिफ्ट में खड़े हुए लिफ्ट का परस फरस पर आप के भार के द्वारा बल रहता है, दोस्तों भार के द्वारा बल के बारे में पूछा गया, तो दोस्तों 42 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर है, लिफ्ट में 9.8 मीटर और सेकेंड स्क्वायर बल से नीचे का समय शून्य होता है। जब दोस्तों आप नीचे की ओर आएंगे तो आपका शून्य भार हो जाता है, जब ऊपर की ओर जाएंगे तो भार बढ़ेगा। देखिए आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग, देखिए आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार का प्रयोग होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर टिन और सीसी का मिश्रण धातु होता है। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तनों की सफाई के लिए प्रयोग लिए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? दोस्तों इसमें जो धुआं निकलता है अमोनिया हाइड्रोक्लोराइड एसिड, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जस्ते के एक आयतन भाग का घनत्व 7100 है, दो आयतन का भार जो घनत्व है 8900 है, तो उसका मिलान पीतल का घनत्व क्या होता है? दोस्तों इसका पीतल का घनत्व क्या होता है बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यस दोस्तों 45 नंबर प्रश्न, और 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला देखिए, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पादन क्या है? एल्कोहलिक खमीर, 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल, देखिए कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वो अभिक्रिया करता है। दोस्तों अभिक्रिया कौन सी करता है? 47 नंबर प्रश्न क्या करता है? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर चार आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिन कार्बोनेट की परत चढ़ाई जाती है, वो किस धातु की होती है?
राइट आंसर इज तांबे की होती। किसकी होती है दोस्तों? तांबे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग लिया जाता है, किस गैस का प्रयोग में लिया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है एथिलीन और एसिटिलीन। एथिलीन और एसिटिलीन आपका राइट आंसर है। विस्फोटक पदार्थ जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन है, क्या है? एक प्रकार का दोस्तों एसिड। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि, 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है। बर्तन को ऋण ध्रुवों और शुद्ध जस्ते के धन ध्रुवों बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? दोस्तों रेडॉन है। क्या है आपका राइट आंसर? क्या रेडॉन है? ये जो वायु के अंदर नहीं होती है, रेडॉन। शुष्क बर्फ का आशय क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन से खून के जमने में आवश्यक है? राइट आंसर विटामिन के, जिसे रक्त का थक्का जमता है, रक्त का थक्का। दोस्तों रक्त थक्के में विटामिन सी का सबसे बड़ा योगदान होता है, लेकिन इसमें जमने में आवश्यक पूछा गया तो विटामिन के आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? 55 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। विकास का कारण, दोस्तों 56 नंबर प्रश्न, विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूल। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? 57 नंबर प्रश्न, राइट आंसर इज मैग्नीज का प्रयोग होता है। मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषित अंग नहीं है? अवशोषित, जो अवशोषित अंग नहीं पूछा, मनुष्य के अंदर नहीं। क्या पूछा है? मनुष्य के अंदर नहीं है। इसका राइट आंसर है सामने वाले चट्टे दान, जिसे कंत्रक कहते हैं। शक्कर से सबसे मीठी शर्करा, दोस्तों शक्कर से भी सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? 59 इसका राइट आंसर है फ्रूटोज। क्या है? फ्रूटोज आपका राइट आंसर है। किस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया गया है? किस सदी की शुरुआत? दोस्तों इसमें स्पष्ट है कि हवाई जहाज का आविष्कार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इज राइट ब्रदर्स। क्या है? राइटर ब्रदर्स के द्वारा। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? राइट आंसर इज गैलीलियो के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से जो ऋणात्मक पूछा गया, एक होता है धनात्मक, एक पूछा है ऋणात्मक आवेश, 62 नंबर राइट आंसर है बीटा किरण। क्या है? बीटा किरण आपका राइट आंसर है। दो उत्तरोत्तर संघ अथवा दो उत्तोत्तक ग्रंथ के बीच, यानी दोस्तों एक होता है ग्रंथ का लंबा, एक ऊंचा होता है, इनके बीच की दूरी को कहते क्या है? इसे कहते हैं तरंग धैर्य। क्या कहते हैं? तरंग धैर्य कहा जाता है। पदार्थ के संवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक गति प्राप्त होती है? 64 नंबर प्रश्न, राइट आंसर इज द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान आपका राइट आंसर है। बल या गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान तथा त्वरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो एक सदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है? 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इज आयतन। क्या है? आयतन एक सदिश राशि नहीं है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है दोस्तों? 1000 मीटर। क्या है? 1000 मीटर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? 69 राइट आंसर अष्टफलकीय। क्या है? अष्टफलकीय। तीसरे तथा चौथे समूह के ऑक्सीजन, देखिए ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड का सामान्य
गुण धर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर, राइट आंसर दोस्तों बेसिक एवं एसिड। अगला देखेंगे, जिस तत्व के परमाणु के दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, उस तत्व का द्रव्यमानों की संख्या कितनी होती है? तो द्रव्यमानों की संख्या हमेशा चार होती है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रूपा धातु तत्व है? इलेक्ट्रॉनिक धातु तत्व के बारे में पूछा, राइट आंसर है 2882, यानी 2882 आपका राइट आंसर है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? राइट आंसर अंडवाहिनी के अंदर होती है। थायराइड ग्रंथि के बारे में पूछा गया दोस्तों, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावी करने के लिए उत्तेजित करने वाला आंतरिक हार्मोन कौन सा, अंतर सर्वाइक हार्मोन कौन सा, यानी अंतर या अंतर सर्वाइक हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर है TSH। मेरु रज्जु में कितनी जोड़ियां होती है? मेरु रज्जु के बारे में पूछा गया, मेरु रज्जु के अंदर कुल 31 जोड़ियां होती है दोस्तों, जो मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाओं का निरंतरण केंद्र पूछा गया है, 77 का राइट आंसर इज कैसुरो रज्जु। निम्न में से कौन सा, देखिए धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग करता है, राइट आंसर इज टंगस्टन। क्या है टंगस्टन? आपका राइट आंसर है। पूछा गया है शुष्क बर्फ के बारे में पूछा गया, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य, दोस्तों ताप के बारे में पूछा गया, द्रव्य के बारे में पूछा गया, राइट आंसर इज पारा। ऊर्जा, देखिए सौर ऊर्जा निम्न में से किसे प्राप्त होती है? दोस्तों सौर ऊर्जाएं वो सूर्य से प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? राइट आंसर इज जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम प्रयोग में आती है। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, राइट आंसर देखेंगे, टर्बाइन एवं डायनमो का बिजली प्रयोग करने के लिए किस ऊर्जा विद्युत का परिवर्तन होता है? 83 और 83 का राइट आंसर है मैकेनिकल ऊर्जा। क्या है? मैकेनिकल ऊर्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है? राइट आंसर उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से सबसे सख्त होता है? 85 का राइट आंसर है हीरा। क्या है? हीरा सबसे सख्त होता है। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परीक्षण में प्रयोग आता है? 87 का राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट। डॉक्टर के द्वारा, दोस्तों डॉक्टर हैं, डॉक्टर के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में, एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग में लाने वाली हास्य गैस, पूछा है कि हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? 88 प्रश्न का राइट आंसर नाइट्रस। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। खाना बनाने में प्रयोग में ली जाने वाली मुख्यतः गैस कौन सी है? राइट आंसर है मीथेन। क्या है? मीथेन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में उपयुक्त है? साबुन के लिए वनस्पति तेल का उपयोग लेते हैं। क्या लेते हैं? वनस्पति तेल का उपयोग लेते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे डायलिसिस कहा जाता है।
विटामिन्स जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखते हैं। चर्म रोग को स्वस्थ रखने की जरूरी है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित में से मधुमेह के बारे में पूछा गया, दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मधुमेह के बारे में पूछा गया, मधुमेह जो है आपका इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन। मधुमेह रोग का संबंध इंसुलिन से है। पौधों एवं पेड़ों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया प्रक्रिया को तेज करने का उत्तरदायित्व पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों एंजाइम। क्या है? एंजाइम है। चलिए दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया? 97 प्रथम भारतीय उपग्रह 19 अप्रैल 1975 के दिन छोड़ा गया था। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? इनसेट 2A कब छोड़ा गया दोस्तों? इनसेट 2A 10 जुलाई को 1992 के दिन छोड़ा गया था। पानी का घनत्व पूछा गया, पानी का घनत्व, तो पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है, जब मनुष्य दाढ़ी बनाता है वो काम में क्या लेता है? 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका बताइए जल्दी से दोस्तों। इसका राइट आंसर इज आउटर लेंस। इसकी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए स्टार एजुकेशन को, या फिर हमें यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव देते रहें। रोजाना अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।